हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक नया टॉपिक दिखाने वाला हूँ, जिस टॉपिक के देखने के बाद आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। आप लोग वीडियो के एंड तक देख लीजिए। और वीडियो का टॉपिक ये है हाउ टू लिंक आधार विथ वोटर कार्ड, यानी कि आधार कार्ड के साथ जो वोटर कार्ड का लिंक करने का प्रोसेस में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो के एंड तक देख लीजिए। और वीडियो पसंद आना तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक साथ में कमेंट भी कर देना, क्योंकि एक कमेंट आपका मेरे को बहुत सारे मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप ही सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसा ही हेल्पअप कंटेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। पहले आप लोग ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, गूगल या गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो सर्च बार है इधर NBSP करके सर्च करिए। सर्च करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों का सामने ओपन हो जाएगा। उधर ओपन होने के बाद जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है, देखो पहले लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उसको लॉगिन कर लो पहले। लॉगिन ऑप्शन में सिंपली टच कर रहा हूँ, आप लोग भी लॉगिन और रजिस्टर जो ऑप्शन दिख रहा है इधर टच कर दीजिए। टच करने के बाद ऐसा करके इंटरफेस, अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो उसको नीचे देखिए, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू यूज़र, इसी में टच करिए। इसमें टच करने से क्या होगा, आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है। आपको इधर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद इधर जो शो हो रहा है देखिए, मोबाइल नंबर और कैप्चा, मोबाइल नंबर और कैप्चा देने के बाद सेंड OTP ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। मैं सिंपली इसको फिलअप करके सेंड OTP कर दिया। सेंड OTP करने के बाद जो मेरा OTP था वो आने वाला है। OTP आने का थोड़ा टाइम लग रहा है बॉस। मैं सिंपली इधर OTP आने के बाद, जो OTP मेरा आ चुका है मोबाइल पे, OTP आने के बाद मेरा जो OTP था इधर एंटर कर दूंगा मैं। OTP को एंटर करने के बाद जो वेरीफाई OTP ऑप्शन देख रहा है इसी में सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन हो रहा है देखिए, आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एपिक नंबर, यानी कि मेरे पास एपिक नंबर है यानी कि वोटर कार्ड का नंबर, मैं इसी में रख के मेरा जो एपिक नंबर है इधर एंटर करूँगा। आप लोग भी आपका एपिक नंबर यानी कि वोटर नंबर इधर एंटर कर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे शो हो रहा है ईमेल, यानी कि ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। जो पासवर्ड इधर सेट कर दीजिए पासवर्ड, और नीचे देखिए मैं इधर ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ अभी। उसके बाद देखिए पासवर्ड होने के बाद पासवर्ड इधर एंटर कर दीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो कन्फर्म पासवर्ड है इसी में दोबारा पासवर्ड को एंटर करना पड़ता है। मैं इधर पासवर्ड को दोबारा एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी आपका जो मनपसंद पासवर्ड इधर सेट कर दीजिए। उसको बाद जो रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, जो उसी ऑप्शन में आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए, यानी कि टच कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप किसी में भी कर सकते हो। मेरा व्यूअर्स, जब भी जितने भी व्यूअर्स है, हर किसी के पास PC नहीं है तो इसलिए मैं मोबाइल पर भी दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इधर शो रहा है देखिए, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो मेरा जो पासवर्ड था मैं इसको सिंपली सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा करके इंटरफेस शो होगा आपका सामने। तो लॉगिन कर लो पहले, आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड सेट किए थे आपने। और उसके बाद जो कैप्चा शो रहा है देखिए, कैप्चा को एंटर कर लो। कैप्चा को एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाओ। लॉगिन होने के बाद ऐसा करके आप लोगों के सामने इंटरफेस शो हो जाएगा NBSP का मेन पेज। इधर देखिए जो वोटर पोर्टल शो हो रहा है, वोटर पोर्टल में सिंपली क्लिक करिए। वोटर में क्लिक करने के बाद जो सिलेक्ट इफ़ यू आर ओवरसीज सिलेक्टर, इसको स्किप कर दो, इसको टिक से नहीं लगाना पड़ता है, मैं इसको नहीं रखूँगा। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड योरसेल्फ बाय एंटरिंग ईमेल आईडी, और जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैं सिंपली ईमेल एड्रेस को नहीं लिख के मैं मोबाइल नंबर इधर एंटर कर रहा हूँ। इधर उसको बाद एंटर OTP कर दिया हूँ। इधर देखिए सेंड OTP ऑप्शन में क्लिक कर दिया। सेंड OTP क्लिक करने के बाद जो OTP था मेरा मोबाइल पे आएगा, अभी आ चुका है मेरा मोबाइल पे OTP। मैं इस OTP को सिंपली इधर पेस्ट कर दूंगा। आप लोग भी आपका जो OTP आने वाला है OTP को एंटर कर दीजिए इधर। उसके बाद देखिए वेरीफाई ऑप्शन शो हो रहा है, वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, योर मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड दिखा रहा है। उसके बाद देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आपका पासवर्ड देना पड़ता है इधर। आप पासवर्ड सेट कर दीजिए। मैं सेट करने के बाद जो सबमिट ऑप्शन दिख रहा था, सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वेलकम टू द वोटर पोर्टल, यानी कि वोटर पोर्टल में मैं एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए वेलकम जो ऑप्शन दिख रहा है, वेलकम में टच करना पड़ेगा। मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद मैं सिंपली इसको राइट साइड में लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए द प्रोवाइड आधार नंबर फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रिक रोल ऑथेंटिकेशन, इसमें सिंपली टच कर दीजिए। मैं इसमें टच कर रहा हूँ। टच कर दिया। टच करने के बाद जो मेरा नाम
इधर लिखना पड़ेगा एंटर योर नेम और एंटर योर सरनेम। पहले आपका नेम लिख दीजिए, उसके बाद सरनेम लिख दीजिए। मैं इधर मेरा नाम लिख रहा हूँ और देखिए लिखने से उसके बाद स्टेट और यूटी है, यानी कि स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए इसको। मैं इसको सिर्फ स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद जो सबमिट बटन दिख रहा है, सबमिट बटन में टच कर दीजिए। टच करने के बाद जो पेज था वो लोडिंग ले रहा है। उसके बाद देखिए और भी एक पेज आपका सामने ऐसा करके ओपन हो जाएगा। आप दोबारा इसको स्लाइड करिए। स्लाइड करने के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है आधार प्रोवाइड आधार जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी में आप लोग सिंपली टच कर दीजिए। मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद इधर दिख रहा है, देखो एक पॉपअप शो हो रहा है, उत्पल माई नेम इज भोटर मित्रो। मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है इधर, आप लोगों के सामने भी ऐसा करके एक इंटरफेस शो होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे वोटर कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करते हैं, यानी कि हाउ टू लिंक आधार विथ वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद देखिए लेट स्टार्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, लेट स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। अभी देखो सो रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। मैं यस रखूँगा क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी नंबर है, यानी कि वोटर आईडी का जो एपिक नंबर है। इधर जो वोटर आईडी का नंबर डालना पड़ता है, इधर मैं सिंपली इधर टाइप कर रहा हूँ मेरा जो वोटर आईडी नंबर था। उसके बाद देखिए फेस डिटेल्स ऑप्शन शो हो रहा है, मैंने फेस डिटेल ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन में मैं टच कर दूंगा, यानी कि क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद जो मेरा सामने मेरे डिटेल्स थे वोटर कार्ड के, सब डिटेल्स रिकॉर्ड जो थे वो रिकॉर्ड मेरे सामने ओपन हो गया। आप लोगों के सामने भी शायद ऐसा करके ओपन हो जाएगा। और मेरा जो रीजनल लैंग्वेज था वो बंगाली, इसलिए बंगाली में इधर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू जो नीचे दिख रहा है, देखो सेव एंड कंटिन्यू में सिंपली टच कर दो। मैंने इसमें टच कर दिया। टच करने के बाद यस आई हैव अदर नंबर और आई एम नॉट एबल टू अदर नंबर, सॉरी। इसमें ओपन करने से पहले आपको आपका मोबाइल नंबर देना पड़ता है। इधर मैं इधर मेरा जो मोबाइल नंबर था, ओटीपी आएगा एक मोबाइल पे, मैं इधर जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो मेरा ओटीपी था, ओटीपी आने वाला है, मैं इधर ओटीपी को सिंपली एंटर कर दूंगा। मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं ओटीपी को इसमें सिंपली एंटर कर रहा हूँ। आप लोग भी आपका ओटीपी जो है उसको एंटर कर दीजिए इधर। उसके बाद जो वेरीफाई ऑप्शन दिख रहा है, देखो वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद प्लीज वेट करके शो हो रहा है इधर, सक्सेस योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड दिखा रहा है ये। इसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑफ फ्रॉम 6B, यानी कि इधर आधार कार्ड को देना पड़ता है। मैं आधार कार्ड नंबर दे दिया हूँ। उसके बाद जो पर्सनल डिटेल्स था इधर शो हो रहा है, देखिए मेरा पहला मेरा नाम लिख दिया, उसके बाद सरनेम लिख दिया। सरनेम लिखने से मेरा जो रीजनल लैंग्वेज बंगाली था इसमें शो हो रहा है, देखिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे स्क्रॉल करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, देखो इधर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो जनरल डिक्लेरेशन फॉर्म था वो ऐसा करके आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। इधर डेट शो हो रहा है और प्लेस शो हो रहा है, यानी कि आप जिसी प्लेस को भी एक एप्लीकेशन कर रहा हो उसी का एड्रेस इधर डालना पड़ता है। मेरा जो गाँव का नाम था मैं इधर एंटर कर दिया हूँ। एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद जो फॉर्म 6B का जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म था ऐसा करके फिलअप होके इधर ओपन हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो फॉर्म, आप लोग भी देख सकते हो, आपका सामने भी ऐसा करके इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे जो सबमिट ऑप्शन दिख रहा है मैं सिंपली इसमें टच कर दूंगा, यानी कि क्लिक कर दूंगा। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो इंटरफेस था ऐसा करके ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो रेफरेंस आईडी था मेरे को मिल चुका है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आप उसको स्टेटस में चेक कर लो आपका जो लिंक था वो हुआ कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना होगा। दोबारा जाने के बाद जो NVSP का साइड है उधर आप लोग एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप पहले इसको लॉगिन कर लो। मैं इसको सिंपली लॉगिन कर रहा हूँ। मेरा जो पासवर्ड था और यूजर आईडी था पहले से सेव कर लिया मैंने इसके लिए। उसके बाद जो कैप्चा दिखा रहा है, देखो कैप्चा को एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो लॉगिन ऑप्शन शो हो रहा है आपका सामने, उस लॉगिन ऑप्शन में सिंपली टच कर दो। टच करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाई एग्जाइटिंग इलेक्ट्रल, इसमें टच कर दो। टच करने के बाद इधर ऐसा करके इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करके शो हो रहा है, इसी में सिंपली टच कर दो। टच करने के बाद आपका जो रेफरेंस आईडी आपको मिला था इसको इधर एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट ऑप्शन टच एंटर करने के बाद
ऐसा करके आप लोगों के सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो प्रोसेस था वो अभी पेंडिंग में है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को एक लाइक कर देना, और पहली बार मेरा चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसा ही हेल्पअप कंटेंट रहेगा।